वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 5:31 हुई है, जा रहे प्री वेडिंग के लिए। फिलहाल अभी मैं हार्दिक की सोसाइटी के बाहर आया हूँ, तो उसका वेट कर रहा हूँ। मैंने कब से कॉल किया है, रात को बारिश पड़ी थी तो पूरी गाड़ी भीग चुकी है, और हेड मिरर है वो मैंने अभी साफ कर दिया है पेपर से। तो फिलहाल अभी गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब है, बट चलेगा। अपने को प्री वेडिंग में जाना है और अपनी गाड़ी कहाँ यूज करनी है फोटोग्राफी के लिए। तो फिलहाल मैंने अभी ATD लिया है और इस बैग में रखा है, UX90 वाली बैग में रखा है। ये सोनी की बैग में कुछ एसेसरीज है, ये गिम्बल है हार्दिक का, तो उसको रिटर्न देना है, तो अभी गाड़ी में ही ले जाता हूँ। आते वक्त उसको जब मैं छोड़ूंगा तब गिम्बल दे दूंगा। इसमें भी कुछ एसेसरीज है और 2 स्टैंड लिए है, बाकी सब इतना ही सामान कुछ लिया है। और अभी हार्दिक उसका कैमरा लेके आ रहा है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। फटाफट रखो, अभी लेट हो रहा है। अरे जैकेट पहन। तो फिलहाल अभी 5:40 हुआ है और निकल रहे हार्दिक। फिलहाल हम लोकेशन पे पहुंच गए, हमारा सेटअप भी चालू है। तो ये सब बॉक्स है, हार्दिक भाई अपना कैनन का कैमरा लेके रेडी है, उसका सोनी का कैमरा मैंने ले लिया है। तो लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, बाकी सब देखते हैं। अभी एक्साइटेड हूँ फोटोग्राफी करने के लिए। जो अर्स वाला है वो शूट खत्म हो चुका है, तो अभी ये जो तालाब वाला शूट है और ये नाव वाला शूट अभी करना है। तो देखते हैं, तो चेंज करने गए तो 10-15 मिनट की ब्रेक है, तो बैठते हैं चिल करते हैं अभी। और यहाँ पे जो बार है, बार का भी मैंने फोटो शूट कर लिया, कुछ इस तरह का बार है और उसके सामने ये नाव वाला और तालाब वाला। इतना डिब्बी नहीं है, 2 फुट गहरा है, बाकी सब लोकेशन अच्छा है। मुझे ये वाला लोकेशन अच्छा लगा, अल्टीमेट से अच्छा ये है और इसके पैसे भी बहुत ज्यादा है। आउटडोर का जो लोकेशन था उसका फोटोशूट कर दिया है, अभी इंडोर के लोकेशन में आके बैठे हैं। अभी कपन फिर से चेंज करने गए और चेंज करने में बहुत टाइम लगा था, कम से कम आधा घंटा हुआ है चेंज करने गए, और 2 बजे का टाइम है। अभी टाइम हुआ है 1:15 बज चुका है, तो अभी कम से कम 1.25 घंटे का टाइम है और लोकेशन उतने शूट हुए नहीं है। तो आधे दिन का कभी भी लोकेशन रेंट पे मत लो, पूरे दिन का लोकेशन रेंट पे लो, क्योंकि आधे दिन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कंप्लीट होती नहीं है। तो कुछ इस तरह का इंडोर का जो लोकेशन है कुछ इस तरह का है। लाइटिंग वाइटिंग यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे एक बेबी लाइट है और यहाँ पे पोटरा लाइट, ये कुछ झूमर वूमर लगाया है। यहाँ पे हार्दिक बैठा है, वेट कर रहा है, और यहाँ पे लोकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे लेना है ला फैबुलस में, तो पूरा दिन का ही लेना पड़ेगा, हाफ डे में कुछ नहीं होता। फिलहाल अभी इंडोर का शूट खत्म हो चुका है और आउटडोर में अभी एक लोकेशन पे मेरे को जीप वाला जो लोकेशन है वो मेरे को लेना है। तो कैसे फोटो शूट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरह के अपने फोटो शूट किया है, इंडोर में लोकेशन अच्छा था, ये देखो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। तो फिलहाल अभी फोटोशूट तो हमारा खत्म हो चुका है, हमने 1 घंटा एक्सटेंड किया था लोकेशन का, 2000 per घंटे का चार्ज दिया और 1 घंटे में हमारी सब फोटोग्राफी कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे तो हमको नहीं देना चाहिए था, बट जो कपल थे वो रेडी होने में टाइम लगा रहे, इसलिए थोड़ा फोटोग्राफी रह गई थी, बट 1 घंटा एक्सटेंड किया तो खत्म हो गई, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ पे एक लोकेशन पे 45 मिनट आपको देते एक कपल को, और दिन में 10 ही कपल अलाउड करते हैं, और वहाँ पे क्या है एक लोकेशन पे 20 ही मिनट देते हैं, और उसमें भी कोई मैनेजमेंट नहीं, टाइम में कोई मैनेजमेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले ये
टाइम लिखा हो, दूसरा लिखा हो, तीसरा लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे पहले टाइम लिख देते आपको, ये टाइम पे यहाँ पे इतने बजे शूट करना है और इतना टाइम तक आप शूट कर सकते हो। तो ये वाला जो मैनेजमेंट है लैपेबिलिस का सुपर है। वात्रिका का थोड़ा लोचा है। यहाँ पे मेरे को मजा इसलिए आया कि अच्छा लोकेशन था, मैनेजमेंट अच्छा था, अपने को जॉब अच्छा मिल रहा था और कपल भी अच्छा था। वात्रिका में वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था कपल का, बाकी सब अच्छा है। और यहाँ पे हमारा गोप्रो लगा है, आगे का शूट हो रहा है। तो फिलहाल हार्दिक का जो सामान था वो सब उतार दिया उसके घर पे। अभी ये मेरे को बाहर रखने आता है क्योंकि इसकी लाइन जो है छोटी है और अपने को इतनी गाड़ी आती नहीं है। ड्राइविंग अपना थोड़ा अप डाउन है। थोड़ी फट रही है।